सीधा तस्वीरें दिखाते हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर जमकर हंगामा चल रहा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज फिर से बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ लगातार बीजेपी की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। कल भी आपने देखा किस तरीके से माफी नीतीश कुमार की तरफ से मांगी गई अपने बयान को लेकर, लेकिन माफी लेने को तैयार नहीं है बीजेपी और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बयान दिया था, जिसके बाद चौतरफा घिरे हुए नजर आए। उसके बाद कल उन्होंने अपने बयान को लेकर सदन के बाहर और अंदर दोनों में माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नहीं मान रही है और इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि बिहार विधानसभा का आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक जो नया दांव नीतीश कुमार की तरफ से खेला गया है आरक्षण के दावे को लेकर, अब ऐसे में देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले जमकर हंगामे की तस्वीरें बीजेपी की तरफ से, ये हंगामा किया जा रहा है बिहार विधानसभा में। जो बयान नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया, हालांकि नीतीश कुमार ने माफी मांगी उस पर, लेकिन उसके बावजूद ये विवाद नहीं थम रहा है और बिहार विधानसभा में बीजेपी जमकर हंगामा कर रही है। आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा के लिहाज से, लेकिन इस बीच हंगामे की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक बिल आज जो है वो सदन में पेश होगा, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है सियासी तौर पर भी इस पूरे मुद्दे को। लेकिन नीतीश कुमार का जो बयान है उसको लेकर जिस तरीके से भाजपा सियासी तौर पर उसको भुराने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से लगातार हंगामे की तस्वीरें बिहार विधानसभा से सामने आ रही हैं, बीते कल भी हंगामे की तस्वीरें सामने आई और आज भी देखिए जब सदन की शुरुआत हुई तो किस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर नीतीश कुमार को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है। बिहार में कोल्ड स्टोर को बढ़ावा मिले और जो किसान अपना, और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं अयोध्या से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर का काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और कई आज फैसले कैबिनेट को लेकर माना जा रहा है संभव हो सकते हैं। आज योगी कैबिनेट की बैठक भी होनी है और इससे लेकर भी आज कई तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, मीटिंग के लिए अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई गई है। दीपोत्सव होना है उसका भी जायजा लेंगे। मीटिंग से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे सीएम योगी और आज कैबिनेट की बैठक जो कि काफी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जा रही। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बस में सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब जा रहे हैं आगे और आज काफी लंबा कार्यक्रम भी उनका रहने वाला है। मीटिंग होगी और इसी के साथ साथ दीपोत्सव जो कार्यक्रम होने वाला है उसका भी जायजा लेंगे, किस तरीके की तैयारी अयोध्या में उसके लिए की गई है। देव दीपावली मनाने की तैयारी अयोध्या में, लेकिन उससे पहले क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम, तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, तस्वीरें आपके सामने। बैठक है आज कैबिनेट की, लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन करने की तैयारी और देव दीपावली को लेकर अयोध्या में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इंतजाम है, इसकी तैयारी, इसका जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी डिटेल्स में आपको देंगे हमारे सहयोगी संजय, इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या में, क्या चल रहा है वहां पर, क्या तस्वीरें? देखिए, बहुत अहम दिन है आज, बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार जो योगी की कैबिनेट की बैठक है वो अयोध्या में आयोजित होनी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब सारे के सारे जो मंत्रिमंडल है वो सबसे पहले तो हनुमानगढ़ी मंदिर जाएगा। उनको विशेष इलेक्ट्रिक बसों के जरिए यहाँ से हनुमानगढ़ी में दर्शन कराने ले जाएंगे और साथ ही साथ उसके बाद रामलला के मंदिर भी जाएंगे। रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, इसके साथ साथ राम का नया मंदिर यहाँ पर बन रहा है, भव्य मंदिर प्रांगण जो तैयार हो रहा है उसके विकास कार्यों का जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पर लेगी। इसके बाद में जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे रामकथा पार्क संग्रहालय में और वहाँ अयोध्या के विकास के कई अहम एजेंडों पर मुहर भी लगाई जाएगी, साथ ही साथ प्रदेश के विकास कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। यही नहीं,
कई अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे और जो इससे मुख्य कार्यक्रम हाल के दिनों में होना है वो दीपोत्सव होना है, जिसमें इस बार लक्ष्य है 25 लाख दिए जलाने का, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उसके उस कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां अधिकारियों के साथ बैठक में जायजा लेंगे। और सारी की चूंकि नव अयोध्या का निर्माण चल रहा है, 30,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य पूरी अयोध्या में चलाए जा रहे हैं, तो उन विकास कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद वापस अयोध्या वापस लखनऊ जाएंगे। लेकिन ये अहम दिन है, आज महत्वपूर्ण योगी कैबिनेट की बैठक होगी यहाँ पर, जिसमें अयोध्या के समग्र विकास की तमाम परियोजनाओं पर चर्चा होगी और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट की बैठक यहाँ आयोजित की जा रही है। और अभी मेरे सामने जो तस्वीर है उसमें साफ तौर पर उन इलेक्ट्रिक बसों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी जो कैबिनेट है वो निकलती हुई नजर आ रही है। ये सारे के सारे लोग सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी पर्यटक को किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो इसके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूँ पूरी अयोध्या सजी हुई है, समरी हुई है, क्योंकि दीपोत्सव का बड़ा मौका आने वाला है, बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, सारे कार्यक्रम का सारी व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे, कई सारी बैठकें भी वो करेंगे। कैबिनेट की बैठक तो देखिए अहम है ही है, उसके अलावा भी उनकी कई बैठकें होंगी जिसमें कई योजनाओं परियोजनाओं पर चर्चा होगी। और इस बार दीपोत्सव किस तरह से खास किया जा सकता है जी, ठीक है, ठीक है संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर अपनी कैबिनेट के साथ अब आगे बढ़ते हुए रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजय ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई जो अहम प्रस्ताव है उन पर मोहर भी लग सकती है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम के साथ साथ और तमाम मंत्री भी मौजूद हैं। नीतीश के बयान पर विधानसभा में हंगामा, बिहार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, नीतीश के इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कल भी आपने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ और कल भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, आज भी वही चीजें देखने को मिली। हंगामा हुआ, बीजेपी की तरफ से हंगामा किया गया, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया उसके बाद नीतीश कुमार घिरे हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी उनको जमकर घेर रही है और अब ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो विवादित बयान पर हालांकि माफी मांग चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन सामने आ रहा है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 4वां दिन है। देखिए बीजेपी के तमाम विधायक बैनर पोस्टर लेके विधानसभा पोर्टिको में प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं पर एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर जमकर विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। नीतीश माफी मांग चुके हैं, अपने बयान को वापस भी लिया, उन्होंने ऐसा कहा सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी, लेकिन बीजेपी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ, महिला विधायक भी हैं, बैनर पोस्टर लेकर आई हैं, नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। बीजेपी के तमाम विधायक विधान पार्षद आज राजभवन जाएंगे विधानसभा से मार्च करते हुए और राज्यपाल से मिलकर नीतीश की शिकायत करेंगे। बीजेपी के विधायकों ने ऐसी सूचना दी है। तो देखिए नीतीश की घेराबंदी जारी है, पोस्टर लेके आए हैं बीजेपी विधायक, लिखा है मुख्यमंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो। वहीं और भी कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे देखिए पोस्टर में लिखा है कृषि रोड मैप के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग बंद करो, लेकिन जिस तरह से नीतीश ने महिलाओं पर टिप्पणी की थी उसको लेके बीजेपी में नाराजगी। और चलिए आपको सीधा लेकर चले हनुमानगढ़ी, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है योगी आदित्यनाथ। देखिए इस वक्त पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी में, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक है और अपने पूरे कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। और आज मुख्यमंत्री की जो मौजूदगी है इसकी लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देख रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी में। आप इस वक्त तस्वीरें जो देख रहे हैं, आज कैबिनेट की बैठक है, कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगनी है, लेकिन उससे पहले दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ
उनका पूरा कैबिनेट इस वक्त मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे हैं, 9 नवंबर का दिन और बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से देखिए, आज माना जा रहा है कि कैबिनेट की जो बैठक है उसमें बहुत सारे प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दर्शन पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हनुमानगढ़ी अयोध्या से लाइव सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल, और अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी के महंत को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है जब अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। आप देखिए, पहले हनुमानगढ़ी में पूजन अर्चन कर रहे हैं, रामलला के दर्शन भी करेंगे, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। और कैबिनेट की बैठक में आप देखिए तमाम इन चेहरों को भी आप देख सकते हैं। जो मंत्री हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी के महंत। आगे कई बड़े आज कार्यक्रम भी हैं। आज से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है अयोध्या में, और पहले कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें कई अहम फैसलों पर जो है मोहर लग सकती है। और इसी के साथ साथ दीपोत्सव की किस तरीके से तैयारी है, भव्य तैयारी है, इसे लेकर भी आज जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और राम मंदिर का निर्माण काम किस तरीके से चल रहा है, वहां भी जायजा लेने का कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन उससे पहले की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए, दर्शन पूजन करते हुए अपनी कैबिनेट के साथ। उसके बाद 12 बजे आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कई जो अहम प्रस्ताव है वो रखे जा सकते हैं, उन पर मोहर लग सकती है। और उसके बाद रामलला के भी दर्शन करेंगे, फिर कैबिनेट की मीटिंग होगी। और दीपोत्सव को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है दीपोत्सव को, और उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इन तैयारियों का आज लेंगे। योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस वक्त मौजूद है, वरिष्ठ मंत्री इस वक्त देखिए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ब्रजेश पाठक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि पहली दफा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस तरीके से दाखिल हुए, क्योंकि आज बहुत बड़ी बैठक है, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलनी है। लेकिन उससे पहले दर्शन पूजन करना, आशीर्वाद करना 9 नवंबर के दिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए 9 नवंबर की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा खास है। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जो कि राम मंदिर के पक्ष में आया था, वो तारीख थी 9 नवंबर, और आज की तारीख भी 9 नवंबर है, जिस दिन योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी में आशीर्वाद लेने के लिए। अयोध्या से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त संजय फोन लाइन पर मौजूद है। संजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद ले चुके हैं, और जैसा कि मैं कह रही थी 9 नवंबर की तारीख इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर के ही दिन बड़ा फैसला सुनाया था राम मंदिर के पक्ष में। संजय, बिल्कुल, और आज भी 9 नवंबर है, और आज भी ऐतिहासिक दिन इसलिए कहूंगा क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होने जा रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। एक बड़ा संदेश है निश्चित रूप से अयोध्या के लिए कि अयोध्या योगी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले भी आपने देखा होगा कि हमेशा से अयोध्या की विकास परियोजनाओं को लेकर के योगी सरकार संजीदा रही है, और आज जब दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और उसके कुछ दिन बाद राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, तो उससे ठीक पहले ये कैबिनेट की बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है। अभी अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं, और जैसा आपने देखा तस्वीरों में कि हनुमानगढ़ी के दर्शन उन्होंने किए, पूरी की पूरी कैबिनेट उनके साथ मौजूद है। इसके बाद वो रामलला के मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, और उसके बाद जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसका जो विकास कार्य है, चूँकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसके लिहाज से तैयारियाँ कितनी मुकम्मल है इसका जायजा भी लेंगे। उसके बाद योगी कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके बाद यहाँ पर प्रेस मीडिया को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं मंच पूरा लगाया गया है, और अमूमन जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी जो उसमें जो पास होते हैं प्रस्ताव, उसके लिए योगी मंत्रिमंडल के कई मंत्री जो हैं उनको ये मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैबिनेट की बैठक कर लेंगे, उसके बाद इसी मंच से पूरी की पूरी कैबिनेट की जो बैठक है उसमें क्या मुसद्दे पास हुए, क्या चर्चा हुई, किन पर मुहर लगाई गई है, वो सारी की सारी जानकारी योगी आदित्यनाथ यहाँ
मौजूद जो प्रेस है उसको देंगे। ये अहम होगा क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें प्रदेश से जुड़े हुए तमाम विकास के एजेंडे होंगे, योजनाओं से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे, वो तो पास होंगे ही होंगे। साथ ही साथ अयोध्या के विकास को लेकर के जो रूपरेखा है उसकी भी निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि अभी भी अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य चल रहे हैं। पटना में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, आरजेडी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। सैलरी बढ़ाने की मांग पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो पटना में आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, आरजेडी दफ्तर के बाहर ये हंगामा सामने आ रहा है, जहां पर सैलरी बढ़ाने को लेकर देखिए प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि आरजेडी दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा करते हुए नजर आ रही हैं। महिलाओं की बड़ी तादाद आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, महिला प्रदर्शनकारी हैं जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इनकी मांग है कि सैलरी बढ़ाई जाए और इसी को लेकर ये प्रदर्शन और देखिए हंगामा कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया कि पुलिस लाठीचार्ज करती। इन तस्वीरों में आपको न्यूज़ पर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से यहां पर लाठीचार्ज करती हुई भी नजर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बार फिर से ये आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन करती नजर आई थी। सैलरी बढ़ाने की इनकी मांग है और पुलिस की यहां पर मौजूदगी है। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से महिलाओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। शशांक, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। शशांक, क्या चल रहा है मौके पर, आप बताइए। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर, अभी क्या चल रहा है मौके पर? देखिए फिलहाल जो कार्यकर्ता है उनको सड़क के किनारे कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। लाठी चार्ज हुआ है, वाटर कैनन का उपयोग किया गया है इसको रोकने के लिए। आर ब्लॉक से आगे बढ़ते हुए लोग राजद दफ्तर का घेराव करने जा रहे थे। तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, तो इस मौके पर वहाँ पर इन लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। मानदेय बढ़ाने की मांग ये लोग लंबे समय से कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी मांग को मान नहीं रही है। 29 सितंबर से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में, लेकिन पिछले 3 दिन से बिहार के कोने कोने से आंगनबाड़ी सेविका पटना आई है। विधानसभा के अंदर आना चाहती थी लेकिन अनुमति नहीं मिली, तो 3 दिन पहले भी इन लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। आज राज्य स्तर का घेराव करने गई थी, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कह रही है, लेकिन सरकार फिलहाल इनकी सुन नहीं रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से शशांक हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस वाटर कैनन का कभी इस्तेमाल कर रही है, कभी लाठी चार्ज, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन लगातार ये कर रहे हैं बीते दिनों से। क्या मांगे हैं इनकी, एक बार आप विस्तार से बताएं। ये लोग मानदेय को दुगना करने की मांग कर रहे हैं और साथ में चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी का इन लोगों को दर्जा दिया जाए। ये लोग साफ तौर से कह रही हैं कि जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी तो नीतीश तेजस्वी ने वादा किया था कि आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन हम लोग 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, इसी की शिकायत इन लोगों की, और लोग चाहते हैं कि लोगों के मांग को तुरंत पूरा किया जाए। वहीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो मंत्री हैं तमाम वो तो जरूर कहते हैं कि लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन बात इनकी सुनी नहीं जा रही है। जी सुशांत, क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो आंगनबाड़ी का जो वर्कर्स है ये प्रदर्शन कर रही है, पहले भी तस्वीरें आई थी जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया, आज फिर से वही तस्वीरें। अब सरकार अगर मांगे नहीं मानती है तो अब आगे क्या रणनीति इनकी तरफ से अपनाई जाएगी, क्या किया जाएगा, कुछ जानकारी? ये देखिए अभी तो पटना में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद से पूरे बिहार में ये लोग प्रदर्शन करेंगे और सड़क जाम करेंगे अगर इन लोगों की डिमांड को पूरा नहीं किया गया। ये साफ तौर पे जो संगठन आंगनबाड़ी सेविकाओं से जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि 1 हफ्ते के बाद से पूरे बिहार में प्रदर्शन होगा और लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं सड़क पर उतरेंगी। अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मध्य प्रदेश के सतना की, जहाँ पर मौजूदगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोडमैप नहीं, और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है, इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है, एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है।
और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं खुद स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यहां की भाजपा सरकार को 10 साल तक केंद्र की कांग्रेस सरकार ने हर काम में रोड़े अटकाए, काम करने नहीं दिया, रुकावटें पैदा की। अभी 2014 में ही तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की डबल ताकत मिली है। एमपी को जिस अंधेरे कुएं में कांग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल पाई है। अब तेज विकास का समय आया है, सबके विकास का समय आया है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, नौजवान, किसान, हर किसी को अब उसका हक मिलेगा। मेरे परिवारजनों, गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा, होती है कि नहीं होता है। जिंदगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है उसको एक पता चाहिए, उसे अपना एक घर चाहिए। वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। बड़ी जानकारी ये है कि आज अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे और आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक है। लेकिन मीटिंग से पहले रामलला के दर पर पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन पूजन किया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने कुछ देर पहले की तस्वीर भी देखी, हनुमानगढ़ी पहले पहुंचे थे, वहां पर भी पूजन अर्चन किया, उसके बाद अब रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। और आज का दिन काफी अहम है क्योंकि अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और उसमें भी कई जो अहम प्रस्ताव है उन पर मोहर लग सकती है। इसी के साथ साथ आज से दीपोत्सव की भी शुरुआत होनी है, उसके काम का जायजा लेंगे, साथ ही साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है क्योंकि तेजी से काम चल रहा है, उसका भी जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन उससे पहले अपनी कैबिनेट
के साथ पहुंचे हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों में देख सकते हैं, साथ ही साथ उनके कैबिनेट के मंत्रियों को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब देखिए किस तरीके से राम मंदिर में तेजी से अयोध्या में राम मंदिर का काम चल रहा है। अब जो वहां का स्टाफ है उन्हें समझाते हुए कि क्योंकि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और काफी तेजी के साथ जो निर्माण काम है वो आगे बढ़ता हुआ अब समझते हुए कि कैसे ये काम चल रहा है, कब तक ये पूरा होगा और किस तरीके से वहां पर जो काम है वो इस वक्त किया जा रहा है। इन तस्वीरों से आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो कि सब चीजें बारीकी से समझते हुए और आगे आने वाले समय में किस तरीके से अयोध्या में और विकास कार्य करने हैं उसे लेकर भी माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में इन सभी चीजों पर चर्चा हो सकती है। ये देखिए तस्वीरें ब्रजेश पाठक, नंद कुमार नंदी और महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहली दफा जब उनकी पूरी कैबिनेट इस वक्त अयोध्या में मौजूद है करने के लिए रामलला के दर्शन और यहीं पर होगी कैबिनेट की बैठक जिसमें मिलेगी कई प्रस्तावों को मंजूरी। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अयोध्या में योगी सरकार पूरी कैबिनेट के साथ इस वक्त मौजूद। कितना काम हुआ, कैसा चल रहा है काम, इन तमाम बातों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। 9 नवंबर की तारीख बेहद महत्वपूर्ण तारीख, यही वो दिन है, यही वो तारीख है जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का रास्ता क्लियर किया था, फैसला आया था। और आज भी 9 नवंबर की तारीख जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, सबसे पहले कर रहे हैं दर्शन पूजन और उसके बाद होगी कैबिनेट की बैठक जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आज अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे, उसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे। आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक है, मीटिंग से पहले रामलला के दर पर पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन पूजन किया। ये चार तस्वीरें आपके सामने अयोध्या किस में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए सबसे पहले राम मंदिर निर्माण स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अपने कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं। काफी अहम दिन है क्योंकि अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की मीटिंग करने वाले हैं अपने मंत्रियों के साथ। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, रामलला के दर्शन पूजन भी किया और इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है उसका भी जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए।